हेलो क्रिकेट लवर्स, जैसा कि आप जानते हैं गौतम गंभीर इस साल फिर से केकेआर के साथ एज अ कोच मेंटर जुड़ गए हैं और गौतम गंभीर ने आते ही अपना जादू चलाना शुरू कर दिया और केकेआर विनिंग ट्रैक पर आ गई है। अब तक केकेआर ने 6 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सेकंड पोजीशन पर बनी हुई है। केकेआर 2012-2014 में आईपीएल चैंपियन रह चुकी है जब गौतम गंभीर इसके कैप्टन हुआ करते थे। उस वक्त गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को ओपनिंग बैट्समैन बनाकर एज ए ट्रम्प कार्ड यूज़ किया था। अब फिर से 2024 में गंभीर वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और उसका रिजल्ट्स आपके सामने है। सुनील नारायण ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ सिर्फ 39 बॉलों में 85 रन की पारी खेली और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार शतक जड़ा और अपना फॉर्म बरकरार रखा। सुनील नारायण के ओपन करने से केकेआर की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को और डेप्थ मिल जाती है और जब सुनील नारायण ऐसी शुरुआत देते हैं तो केकेआर के हार्ड हिटर्स रसल्स, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर को लाइसेंस टू किल मिल जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल फिर से सुनील नारायण और गौतम गंभीर की जोड़ी केकेआर को आईपीएल चैंपियन बनाएगी? मुझे तो लगता है कि इस बार केकेआर के आईपीएल चैंपियन बनने के बहुत चांसेस हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस बार केकेआर आईपीएल चैंपियन।